एमपी के राजगढ़ जिले की सुठालिया तहसील के अंतर्गत किया जाता रेत का अवैध व्यापार खनन माफियाओं ने कर दिया पार्वती का सीना छलनी। खनिज विभाग की लापरवाही से चल रही अवैध खदानें ग्राम टोड़ी से कानपुर देवपुरा घाट बेराड़ आदि गांव में पार्वती से निकाली जा रही रोजाना दर्जनों ट्रैक्टर रेत राजगढ़ जिले से होकर गुजर रही पार्वती नदी में बिना ठेका टेंडर ही हजारों धन मीटर रेत बजरी माफियाओं द्वारा निकाली जा रही है। पार्वती नदी को किया जा रहा है दिन पर दिन छलनी, किंतु प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा अवैध रेत का व्यापार। आसपास के ग्रामीण जनों ने मिलकर राजगढ़ कलेक्टर को इस संबंध में शिकायत की तथा ग्रामीण जनों को रेत माफियाओं द्वारा दिन पर दिन परेशान भी किया जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने मिलकर राजगढ़ खनिज अधिकारी को भी आवेदन प्रस्तुत किया तथा रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि धड़ल्ले से चार चार जेसीबी तथा कंप्लेंट चलाई जाती हैं। दिन दहाड़े ही रेत का खुलेआम व्यापार किया जाता है। रेत माफिया खदान कहाँ पे चल रही है? रेत माफिया खदाने ये राजगढ़ जिले में टोड़ी गांव आता है, सुठालिया तहसील में, वहाँ पे चल रहा है। बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है वहाँ पे। इस प्रकार का चल रहा है कि 400-500 ट्राली रोजाना रेत का उत्खनन हो रहा है और इस संबंध में ना तो कोई शिकायत। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।